हल्की सी आवाज से कांपना, डरना या किसी ने कुछ बोला तो रो देना, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति रजू महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी लेडीज को हमारे पास में लाया जाता है, बोलते बहुत सेंसिटिव है, ये छोटी छोटी बात के ऊपर एकदम उसको रोना आता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम रो देती है, या कुछ थोड़ी आवाज आ गई तो एकदम अरे बाप रे क्या हो गया, कुछ हुआ तो नहीं, मतलब ऐसा डर जाती है, थोड़ा आवाज आए तो एकदम भय, कांपना, सीने में धड़कन, और उनको ये पहले से रहता है, मतलब पहले से, मतलब चालू है, दो चार साल से है, शादी के पहले भी है, ऐसा चालू है। बहुत ज्यादा भावुक रहती है ये लेडीज, थोड़ी बात के ऊपर किसने कुछ बोल दिया, डांट दिया तो उनको रोना आता है, और वो सुनती नहीं है, मतलब किसने बोल दिया उसका मतलब भी अच्छा होगा कुछ बोलने का, मगर वो उल्टा ही लेंगी कि भाई मेरे ऊपर ही बोल दिया, मेरे ऊपर कमेंट कर दिया, मुझे सार्कास्टिकली बोल दिया, चिढ़ा दिया, ऐसा उसको लगता है, जानबूझ के मेरे खिलाफ बोल दिया ऐसा उसको लगता है, मतलब उसको लगता है कि भाई सब अपने बारे में जानबूझ के कुछ तो भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं या कुछ तो भी बोल रहे हैं ऐसा उसको लगता है, और फिर वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, फिर किससे बात नहीं करेंगी, चुपचाप रहेंगी, और ज़्यादातर इनको ऐसा पैरानॉइड टाइप सिम्टम्स रहते हैं, मतलब ऐसा पैरानॉइड ऐसा नहीं बोल सकते उनको कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है या पैरानॉइड पर्सनैलिटी है, मगर उनको लगता है कि भाई अपन लोगों का टारगेट है, लोग अपने ऊपर हंसी मजाक करते रहते हैं, और वो फिर अकेले अकेले रहना, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, फिर अपना अपनी बातचीत जो है या अपने को जो बोलना है लोगों के सामने पक्का रख नहीं सकते, सामने कॉन्फिडेंस के साथ में, कॉन्फिडेंस का पूरा बैन बजा हुआ है, और ऐसे इसमें वो जीते रहती है। फिर बोलते देखो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, चलो उसको कुछ ना कुछ करो, समझो हम इससे चालू करते लेना, उसको पूछना चालू कर देते, पूछते पूछते वो रोना चालू कर देते, कोई कारण नहीं रहता है, और वो डिप्रेशन भी नहीं रहता, दैट इज नॉट डिप्रेशन, मतलब बाकी सब काम धाम ठीक है, कोई ऐसा उदास नहीं, मगर कुछ भी बात उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बराबर नहीं है, और टेंशन आता है। फिर ये लोगों को ये भी टेंशन आता है कि कोई घर में लेट आया तो उनको टेंशन, फिर समय पे खाने को नहीं आया तो टेंशन, किसको बुखार आ गया, थोड़ा भी बच्चों को थोड़ा भी आंग गर्म रहता तो एकदम ये चौंक जाएंगी, एकदम हड़बड़ा जाएंगी, चलो डॉक्टर के पास ले चलो, एकदम टेंशन एंग्जाइटी, और चलो ऐसा करो वैसा करो, ओवर रिएक्टिवनेस बहुत ज़्यादा रहता है इनको, और फिर कोई भी बात हो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देंगे, शांति से लेंगे नहीं, थोड़ा सा भी कुछ आवाज आ गया अरे बाप रे क्या हो गया, उधर एक्सीडेंट हो गया क्या, या रात में कहीं इधर से आवाज आ गया तो क्या कुछ गिरा तो नहीं ना, कोई किसको मार लग गया क्या, मतलब ऐसा उनको लगते रहता है। ये बेसिकली सेंसिटिव एंग्शियस पर्सनैलिटी रहती है, और इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है एक तरह से, क्योंकि ये डिस्टर्ब होता है इनका लाइफ, इनके साथ साथ इनके जो फैमिली मेंबर्स है उनका भी लाइफ डिस्टर्ब रहता है, और उनको लगता है कि देखो ये बहुत ही सेंसिटिव है, हल्वी स्वभाव की है, बहुत ही नाजुक स्वभाव है इसका, ऐसा बोलते रहते हुए चलाते रहते। कुछ लोग जो अच्छे हैं वो सोचते हैं कि नहीं अपने को इसका कुछ तो भी करना चाहिए, फिर हमारे पास में आते बोलते हमारा मन पक्का कर दो, बहुत ही कच्चा मन है इसका, फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई, हो सकता है कि बचपन में 4-5 साल कभी भी 7-8 साल की उम्र में पिताजी ने कुछ बोल दिया हो, टीचर ने कुछ बोल दिया हो, या कोई बड़े व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोल दिया हो, बड़ी सजा कर दिया होगा उनको, किसने इंसल्ट कर दिया होगा, या सेक्सुअल एब्यूज किया होगा, ऐसा कुछ तो भी बहुत बड़ी घटना इनके लाइफ में हुई रहती है, या इन्होंने कहीं देखी रहती है, इनके आजू बाजू में हुई रहती है, और वहां से उनको ये चालू रहता है। तो फिर उनको पूरा याद दिला के वो उसका एक विजुअलाइजेशन करना है, और इधर रिलैक्सेशन करना है, उधर वो विजुअलाइज कर रहे जो भी घटना हुई थी, ये रिलैक्स कर रहे, फिर जो भी टेंशन वाली सिचुएशन है वो विजुअलाइज करना, रिलैक्स करना, ऐसे हम ट्रीटमेंट देते हैं, विजुअलाइज करो रिलैक्स करो, विजुअलाइज करो रिलैक्स करो, सेल्फ हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट, मेडिटेशन, ये सब देते हैं, और धीरे 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 इसमें से वो लोग अच्छे हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को है ये पर्सनैलिटी का एक प्रॉब्लम रहता है, तो ये आपके भी आजू बाजू होंगे, वीडियो आप लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी, और लोग अपना जीवन जो है वो खुशी से जी सकेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।